हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज हम में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। आप अपने घर पर बैठकर भी मोबाइल या लैपटॉप की सहायता से अपने परिवार पड़ोस में कोई भी व्यक्ति, यदि 60 वर्ष की आयु से अधिक है, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष, अगर उन्होंने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो आप बहुत ही सरल तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं और वृद्धावस्था जो पेंशन होती है वो उनकी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ना ही आपको इसमें कहीं जाना है, केवल आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, जहाँ भी आप अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसमें ब्राउजर में किसी भी गूगल खोलेंगे, गूगल में आपको डालना है SSPYUP और एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको जो पहला लिंक मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसका जो होम पेज होगा वो आपके सामने आ जाएगा। फ्रेंड्स, इस पेज में आपको जो है और भी पेंशन के बारे में पता चलेगा, जैसे कि विधवा पेंशन है या दिव्यांग पेंशन है। मैं आज के जो वीडियो में आपको ओल्ड एज पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये फॉर्म इतना सरल है कि आप इसे घर बैठे लॉकडाउन में अपने घर पर भर सकते हैं। यदि आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, या आप खुद या आपके परिवार में कोई भी सदस्य है, तो आप अपने मोबाइल की सहायता से फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें कहीं भी नहीं जाना है, ना ही किसी से वेरीफाई कराना है, ना ही किसी से कोई मोहर लगवानी है, ना ही किसी से पास जाना है। आप केवल इसे घर बैठे, और जो गवर्नमेंट है वो भी इसे आपको ऑनलाइन ही, इसका जो वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन ही, आपका रिजेक्ट होना है या एक्सेप्ट होना है वो ऑनलाइन ही हो जाता है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ऑनलाइन ही फिर आपके जब एक्सेप्ट होने के बाद, इसमें लगभग 1 माह का समय लगता है, उसके बाद आपकी पेंशन आनी स्टार्ट हो जाती है अकाउंट में। पेंशन की सूची में बताऊंगा आप पेंशन कैसे चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो इसके होम पेज पर आने के बाद आपको यहाँ एक ओल्ड एज होम आ रहा है, ओल्ड एज पेंशन पे एक बार क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर ये इसका प्रारूप देख सकते हैं। बहरहाल ये आप केवल अपने नॉलेज के लिए देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना है यहाँ ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो इस पर अप्लाई नाउ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करें। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यू एंट्री कॉल हमारा है, एक एडिट, एक व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आपने पहले ही भर चुके हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे या एडिट फॉर्म पर, अगर आप पहले भर चुके हैं तो। यदि आप अब नए हैं तो आप न्यू एंट्री फॉर्म पे जाएंगे, और उसके बाद यूजर मैनुअल है जो आपको बताता है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। उसके बाद फ्रेंड आप न्यू एंट्री फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर इसमें विशेष जो जानकारियाँ भरनी है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स होने आवश्यक हैं, यानी कि 4 कागज आपके पास होने चाहिए जो आपकी इसमें आप स्कैन करके अपलोड करेंगे या फोटो खींच करके अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है मैं बता देता हूँ। एक फोटो आपको होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। जन्मतिथि या आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्मतिथि प्रमाण पत्र की जगह, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसकी जगह आधार कार्ड में भी फिल कर सकते हैं, जो आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ है वही माननी होगी। उसके साथ आपको यहाँ पहचान पत्र के रूप में पहचान पत्र अपलोड करना पड़ेगा, या पहचान पत्र ना करके आप आधार कार्ड भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास पहचान पत्र नहीं है तो आप आधार कार्ड भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद बैंक की पासबुक, उसमें आपको यहाँ पर बैंक की पासबुक अपलोड करनी पड़ेगी, और आपके द्वारा तहसील द्वारा बनाया गया जो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए वो। आय प्रमाण पत्र जो आपकी जो आय है लगभग 1 लाख से कम होनी चाहिए, तो ही आपकी पेंशन बनने के चांसेस अधिक होते हैं। तो ये आप यहाँ से फिर इसको अपना आय प्रमाण पत्र का नंबर और उसको यहाँ पर इंसर्ट कराना पड़ता है, अपलोड कर दीजिएगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। जी मैं आप बता रहा हूँ कि फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, एक तो सबसे पहले जो आपका फोटो होना चाहिए वो है, यानी कि जो आप जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स का फोटो लेते हैं तो उसे आप PDF में कर लीजिएगा। PDF में करने के बाद ही आपको इतने साइज में अपलोड कर सकते हैं 4 डॉक्यूमेंट्स अपने। और जन्म प्रमाण पत्र की जगह आप आधार कार्ड भी यूज कर सकते हैं, और वोटर ID की जगह भी आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, नहीं है तो वो मान्य होता है। देखिए, इस तरीके का ये इसका प्रारूप होता है। जब आप अपना फॉर्म को फिल कर लेंगे, इसमें सारी जानकारी दी गई है। यदि आपको कोई कॉलम भरने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके, या पर्सनली आप मेरे पेज पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां से आपको इसका आंसर बता दूंगा। यदि आपको किसी भी कॉलम में दिक्कत आती है भरने में, तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है, बहुत ही ईजी फॉर्म है, आप घर बैठ के भर सकते हैं।
भरने के पश्चात आपको एक जो आपकी एक रजिस्ट्रेशन संख्या आपको प्राप्त होगी। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त होने के बाद आप इस रजिस्ट्रेशन संख्या को यहाँ से नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद आपको दोबारा से जाना है फिर एडिट सेव फॉर्म फाइनल प्रिंट पर। जब आप दूसरे ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो शुरू में आया था आपका जब आप इसे अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ इसका एक ऑप्शन आता है नीचे दूसरे नंबर पे, एडिट सेव फ्रॉम फॉर्म एंड फाइनल सबमिट। तो यहाँ पर आप जा करके इसको क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद ये आपका फॉर्म फिर दोबारा से खुल जाएगा। फिर आपको इसमें कोई भी एंट्री अगर इसमें आपको गलत है लग रही है, तो आप इसे फिर उसे सही कर सकते हैं, या फिर आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट चेंज करना है तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं, या अपने अपलोड की हुई जो प्रमाण पत्र है उसे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखने बाद जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं कि हाँ मेरा फॉर्म बिल्कुल ठीक है, मैंने सही भर दिया है, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से फाइनल सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद आपकी जो है इसका फाइनल प्रिंट आपके पास मिल जाएगा। फिर इसके आगे प्रक्रिया जो होती है वो दो स्टेप इसमें होते हैं, कि ये पहले DSWO के पास जाता है, और यानी कि जो जिला समाज कल्याण अधिकारी होते हैं उनके पास ये जाता है, उनके बाद ये जिला प्रबोधन अधिकारी के पास जाता है, और उसके बाद इधर लखनऊ से आपका वेरीफाई होता है। यदि आपकी पेंशन बनती है तो आपका जो नाम होगा वो इसकी जो मुख्य वेबसाइट है, यहाँ पेंशनर सूची, इस वाले कॉलम में आप देख रहे हैं ये पेंशनर सूची जो है, यहाँ पर आपका ये इस लिस्ट में नाम आने लगेगा। आपने फॉर्म अभी आप ये इस अगले मंथ में आप भरते हैं, तो अभी इस सूची में नाम नहीं आएगा, आपकी जो अगली सूची आएगी उसमें आपका नाम आने की संभावना हो जाती है। तो अभी जो सरकार इसमें जो पेंशन दे रही है वो लगभग 1,000 रुपये यानी कि वो बढ़ाकर दे रहे हैं, और पहले इसमें कम थे, अब जो लॉकडाउन को देखते हुए पैसे इसमें सरकार ने बढ़ा दिए हैं। तो ये फॉर्म बहुत ईजी है, आप इसे अपने घर बैठ कर भी आराम से भर सकते। फ्रेंड्स, इसमें जो आय प्रमाण पत्र का होता है, मैं एक बार फिर से बता दूं, आप जो है 1 लाख से नीचे तक के आय प्रमाण पत्र का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सरकार जो सबसे कम आय वाले को पहले प्रिफ्रेंस देती है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं है, अगर 1 लाख आय प्रमाण पत्र तक भी है तो आप इसको फिल कर सकते हैं आराम से। और इसके लिए आपको किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं देना है। सबसे बड़ी बात है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ना है तो वेबसाइट पर शुल्क देना है, यदि आप किसी के माध्यम से किसी जनसेवा केंद्र पर भरवाते हैं तो आपको वहाँ शुल्क देना पड़ सकता है, परंतु यदि आप अपने लैपटॉप अपने मोबाइल पर स्वयं कार्य कर रहे हैं तो आपको किसी तरह का कहीं भी कोई शुल्क नहीं देना, और आप इसे आराम से निश्चित कर सकते हैं। तो आपके घर में जितने भी 60 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कोई भी, तो वो वृद्धावस्था पेंशन भर सकते हैं आराम से, और इसका प्रारूप बहुत ईजी है, और इसका कोई भी भर सकता है जिसकी आय 60,000 से कम है। इसके आगे कोई जाति या उसका कोई भी मैटर नहीं है कि वो किस तरीके की जॉब करता है, बस सरकारी नौकरी ना हो और किसी की दूसरी पेंशन ना आ रही हो, क्या कोई गवर्नमेंट रिटायर ऑफिसर उसकी पेंशन आ रही हो, तो वो नहीं चलेंगे। हाँ फ्रेंड्स, आप सबसे मेरा एक निवेदन है, फ्रेंड्स मैं इस समय पर और जितने भी जो अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं, मैं लगातार ऐसी योजनाओं पर बना रहा हूँ जो कि अभी इस समय महत्वपूर्ण है। तो आप, ये मेरा एक एजुकेशनल चैनल है, मैं यहाँ लगातार एजुकेशन वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो डालते रहता हूँ, तो आपका कर्तव्य बनता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी जितनी भी मित्र मंडली है, जितनी भी आपको फ्रेंड सर्किल है, उसमें इस चैनल को जो शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी जो जरूरतमंद लोग होंगे जिनको आवश्यकता होगी तो वो इस वीडियो को देख लेंगे, तो उन्हें बहुत आसान सा लगेगा, तो वो खुद भी कर सकते हैं या किसी की सहायता से लेकर कार्य कर सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनधन खाते में आपका अगर पैसा नहीं आया तो आप कैसे चेक कर सकते हैं वो पैसा आया है या नहीं आया आपके अकाउंट में, आप बिना बैंक जाए भी अपने अकाउंट का बैलेंस घर पर ही चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो उसी को मिलेगी जो चैनल सब्सक्राइब कर लेगा, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी वीडियो हैं जो हमारी वो जो यूजफुल वीडियो हैं आप वो अपने मित्र मंडली में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हम प्रोत्साहित होते हैं, और इसलिए हम अपकमिंग वीडियो में और अधिक रोचक जानकारी आपके लिए ले आएंगे, जो भी आपके लिए यूजफुल होगा वो मैं ऐसी ऐसी वीडियो समय पर बनाता रहूँगा। परंतु आपका दायित्व है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक हमारे सारे चैनल की जो वीडियो है वो पहुँचाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।